नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 4 जुलाई है और हम बात करेंगे राजस्थान में आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। सबसे पहले सिनॉप्टिक फीचर पर नजर डालें तो आज उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन आज नॉर्मल पोजीशन पर है, यानी फिलहाल बीकानेर चूरू से होकर गुजर रही है। पिछले 24 घंटों में इस सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कई भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस दौरान जयपुर, अलवर, धौलपुर और डूंगरपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज हुई है। राजधानी जयपुर में सर्वाधिक बारिश 98 mm यानी भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में भी कुछ भागों में हल्के से मध्यम बारिश रिपोर्ट हुई है। इस सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में अगले 2-3 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान जयपुर, भरतपुर, इसके अलावा कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के अनेक भागों में हल्के से मध्यम बारिश जबकि कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में भी अगले 2-3 दिन कुछ भागों में मध्यम तो कहीं कहीं तेज दर्जे की बारिश होने की संभावना है। जोधपुर संभाग के पूर्वी भागों में भी अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। तत्पश्चात यदि देखें तो 7-8 जुलाई को बारिश की गतिविधियों में कुछ इलाकों में कमी होने की संभावना है, खासकर पश्चिमी राजस्थान में। इसके बाद 9-10 जुलाई से एक बार पुनः पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।